भारत ने दरियाए रावी में पानी छोड़ दिया, पीडीएमए का हाई अलर्ट जारी। तर्जमान का कहना है भारत ने 1,85,000 क्यूसिक पानी ओज बैराज से दरियाए रावी में छोड़ा है। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। इस्लामाबाद ऐसा है दोस्तों, आज से लगभग 5-6 साल पहले जब मैं कॉलेज में था तो मुझे लगता था कि पाकिस्तानियों का दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ है, लेकिन जब मैंने पाकिस्तानी कंटेंट के ऊपर काम करना शुरू किया तब मुझे समझ में आया कि पाकिस्तानियों का दिमाग थोड़ा नहीं बल्कि पूरा हिला हुआ है। जरा सुनिएगा और समझिएगा, जब ऑलरेडी बारिशें हो रही होती हैं तो फिर उसके बाद जो वो क्या करता है कि उन्हीं दरियाओं में वो पानी छोड़ता है, जिससे हमारे यहाँ पाकिस्तान में सैलाबी सूरतेहाल बनती है। तो इसको कहा जाता है आबी दहशतगर्दी। आबी दहशतगर्दी के दो तरीके होते हैं, एक तो पानी किसी का रोक लेना और दूसरा जब जरूरत ना हो उस वक्त छोड़ देना। तो अभी सैलाबी सूरतेहाल का सामना है उसी पर। दोनों एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बात की है, आबी दहशतगर्दी, और हमने देखा है कि ये दोनों दहशतगर्दियां जो है ना ये भारत मुसलसल पाकिस्तान के पर मुसल्लत करता है। पाकिस्तान तो मॉनसून बारिशों की जद में था ही, लेकिन भारत में भी रिकॉर्ड बारिश हुई है, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर बड़ा आबी हमला कर दिया है। बैकर्स कांट बी चूजर्स, यानी ये हिज्जत करवाई है हमारी दुनिया के सामने इन लोगों ने। इनसे ये तो आप करना कि ये इंडिया के सामने खड़े होकर इंडस वाटर ट्रीटी पर स्टैंड लेंगे, ये तो ऐसी तवक्को करना है कि जैसे बिलावल बच्चा पैदा कर देगा, ये नहीं हो सकता। अच्छा अली, लाहौर मेरा भी शहर है, मैं लाहौर में ही रहती हूँ, अभी मैं इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन लाहौर में तो कभी इतनी तबाही नहीं हुई। क्या हो गया लाहौर में, इतनी तबाही कैसे होगी अचानक से? और निगरा हुकूमत जो इंतजामिया, उसकी परफॉर्मेंस आपको कहाँ नजर आती है? लाहौर ऐसा है कि पाकिस्तान की मईशत ठीक करेंगे तो फिर उसके बाद इंडिया से बात करेंगे। मईशत तुम्हारी वो छोड़ेगा ही नहीं ठीक करने के लिए, जब वो दहशतगर्दी करवा कर $150 अरब का तुम्हें नुकसान दे चुका है और दिए चला जा रहा है मुसलसल, और तुम्हारा पानी रोककर तुम्हारी जरात खत्म कर देगा और तुमको भूखा और प्यासा मारेगा, उस वक्त अपने बाप दादा से कहना कि तुम्हारी मईशत ठीक करके दे। बगैर तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 9.India में, मैं हूं गौरव। तो दोस्तों भारत के अंदर जो हालात बने हुए लगातार हो रही बारिश के कारण, जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं मीडिया सोशल मीडिया पे, सड़कें बह गई, लोगों के मकान बह गए, गाड़ियां बह गई हैं, लैंडस्लाइड इतना भयंकर हुआ है कि अब कब कितना समय लगेगा उन रास्तों को वापस से खोलने में। लोग बड़े ही मुश्किल से वहां पे अपना गुजारा कर पा रहे हैं, सोने की जगह नहीं है, छत नहीं है, बहुत बुरे हालात हैं। डैम लबालब पानी से भरे हुए हैं और जब पानी छोड़ा जा रहा है तो निचले इलाकों के जो लोग बसे हुए हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। कई लोग तो सड़क पर आ चुके हैं, ये तो आप सब देख रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तानियों का दिमाग कहाँ है मुझे नहीं पता। इनका कहना है कि भारत जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है। यानी आप इमेजिन करो, एक तरफ हमारे तरफ खुद तबाही मची हुई है, डैम लबालब भरे हुए, ये चाहते हैं कि डैम टूट जाए फट जाए, लेकिन भारत जो है वो पानी ना छोड़े। यानी कि पानी अगर छोड़े तो प्रॉब्लम, पानी ना छोड़े तो प्रॉब्लम। तो इनका कहना है कि भारत हमें पानी नहीं दे रहा है, भारत ने डैम बना बनाकर पानियों को रोक दिया है और इस कारण से हम यहाँ प्यासे मर रहे हैं। भूखे तो हम थे ही, नंगे तो हम थे ही, अब प्यासे भी मर रहे हैं। अब मैं क्या कहूँ इस बारे में, मुझे समझ में नहीं आता। आप भी मुझे कमेंट करिए और आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। लाहौर में बरसात ने तबाही मचा दी, 10 घंटों में 291 मिलीमीटर बारिश से 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। करंट लगने से, छत गिरने से और डूबने के वाकयात में 7 अफराद जान से चले गए। अच्छा, केपी के में भी तेज आंधी और बारिश से दरख्त गिर गए, जिससे 3 अफराद जान बहक हुए। बारिशों का सिलसिला मजीद जारी रहने की पेशगोई भी की गई है। अपने तौसीर पसंदाना अजायम के एजेंडे की तकमील के लिए भारत पाकिस्तान की सलामती को हमेशा नुकसान पहुंचाने का कोई ना कोई मौका ढूंढता रहता है, और ऐसा मौका अगर मिल जाए तो उसे हाथ से जाने नहीं देता। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बुनने हों या फिर अपनी मजबूत चालों से पाकिस्तान को कमजोर करना हो, भारतीय क़यादत हमेशा पेश नजर आती है। ये साजिशें सिर्फ दहशतगर्दी तक ही महदूद नहीं है, बल्कि भारत आबी जारियत के जरिए पाकिस्तान को या तो बंजर बनाने या फिर अपना जायद पानी छोड़कर पाकिस्तान को डबोने के मजबूत एजेंडे पर जोरों शोर से काम कर रहा है। भारत की यह अभी दहशतगर्दी तमाम पड़ोसी ममालिक जिनमें नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ है, ये रोज बरोज बढ़ती जा रही है। इस जिम्मे 150 से ज्यादा छोटे बड़े डैमों की तामीर भारतीय आबी दहशतगर्दी का सबूत है। 25 जून से आज तक बारिशों से मुल्क भर में पाकिस्तान में 76 अफराद जान बहक हो चुके हैं, जिनमें से 30 मर्द, 15 ख्वातीन और 31 मासूम बच्चे शामिल हैं। सबसे ज्यादा 48 अमवात पंजाब में, 20 खैबर पख्तूनख्वा में हुई, बलोचिस्तान से 5 और आजाद कश्मीर से 3 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA ने मजीद बताया है कि बारिशों से 133 अफराद जख्मी भी हुए हैं, और इस हवाले से यह भी पेशगोई की गई है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिशें
मजीद जारी रह सकती हैं, जिससे इन शहरों में जिनमें रावलपिंडी भी शामिल है, कराची भी शामिल है, अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। लाहौर में भी मानसून का स्पेल एक दो रोज और आगे बढ़ गया है और इससे मजीद बारिशें लाहौर में भी हो सकती हैं। लेकिन भारत के अंदर जो तेज बारिशें हुई हैं, शदीद बारिशें हुई हैं, इसके बाद भारत के डैम भर चुके हैं और भारत हमेशा की तरह अब भी आबी दहशतगर्दी पर उतर आया है और भारत ने पाकिस्तान के दरियाओं में पानी छोड़ दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के मुतअद्दिद इलाके और सूबा पंजाब जो है वो आधे से ज्यादा डूब चुका है। भारत से आने वाला सिलाबी रेला शकरगढ़ के सरहदी गांव जलाला में दाखिल हो चुका है, फसलें तबाह हो गई हैं वहां पर और भारत ने दरिया रावी में 1,85,000 क्यूसिक का सिलाबी रेला छोड़ा, जिसके बाद 70,000 क्यूसिक का सिलाबी रेला शकरगढ़ के सरहदी गांव जलाला में दाखिल हो गया। सिलाबी रेले से फसलें तबाह हो गई। इस रेले के बाद दरिया चनाब में मराला के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब आ गया। शकरगढ़ के करीब नाला बई के बहाव में निचले दर्जे की सैलाब की सूरत है। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते और मोदी सरकार का कहना था कि भारत सिंध ताज माहदे को तोड़े बिना भी पाकिस्तान को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा भी सकता है और पाकिस्तान को डुबो भी सकता है। बदकिस्मती से गुज़श्ता 3 अशरों में पाकिस्तान में बारिशों और ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से भी आने वाले पानी को जखीरा करने का कोई खातिर ख्वाह बंदोबस्त ना किया जा सका। मुल्क में नए डैम नहीं तामीर किए गए और भारत ने पाकिस्तान की इस कमजोरी का भरपूर फायदा उठाकर पानी को एक मौसर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। चुनाचे भारत आबी जारियत के जरिए पानी को टूल ऑफ एग्रेशन के तौर पर हमेशा इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि वो पहले पानी को बड़े पैमाने पर जखीरा कर लेता है और फिर हर साल मानसून के मौसम में पानी का एक बहुत बड़ा जो जखीरा किया गया रेला होता है वो पाकिस्तान की तरफ धकेल दिया जाता है, जिसके बाद पंजाब और सिंध के अक्सर मुजाफाती इलाकों को डुबो दिया जाता है। इस तरह यह आबी दहशतगर्दी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही का सबब बन जाती है। बेशुमार कीमती जानें जाया हो जाती हैं, बड़े पैमाने पर फसलें तबाह हो जाती हैं, पाकिस्तान की मीशत को करोड़ों नहीं अरबों डॉलर्स का नुकसान होता है और भारत गुज़श्ता कई साल से आबी जारियत का मुर्तकिब हो रहा है। हर साल मुतनाजा डैमों की तादाद में इजाफा करते जा रहा है, जो कि सिंध ताज माहदे की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है और उसके बाद सारा पानी वो रोक लेगा उन तमाम डैमों के जरिए जो उसने रोके हुए, उसका जब चाहेगा छोड़ेगा, जब चाहेगा रोकेगा। आप किसी किस्म का केस लेकर कहीं नहीं जा सकेंगे। आप यूएन में गए, यूएन ने कोई नोटिस लिया कि इंडिया ने आर्टिकल 370 वायलेट करके इसको एनेक्स कर लिया और डेमोग्राफी चेंज कर रहा है, ये तो सरासर यूएन की वायलेशन है, तो यूएन को कोई फर्क पड़ा नहीं, यूएन को पड़ेगा भी नहीं। इट इज टाइम कि आप उस यूएन मेंटालिटी से बाहर आ जाएं, ये बुजदली और बगैरती वाली मेंटालिटी वो करें जो अजरबैजान ने या आर्मेनिया के साथ किया था, अंदर गए निगोरो कारबाख एरिया लिया लेकर चले गए। दुनिया भी यही कर रही है, वही करेंगे जो रशिया ने यूक्रेन के साथ किया, जो हमारा इलाका है हमारा लेके चलेगा, उसको ऐलान करके उसको रशिया का हिस्सा बना लिया। लड़ाई हो रही है लेकिन वो रशिया है। इंडिया ने एग्जैक्टली यही किया, कश्मीर में गए, कश्मीर को ले लिया, आपसे कहा कि आप मजे करें, अब ये कश्मीर हमारा हो गया, सारी रुपये रेजोल्यूशन खत्म, अब क्या करेंगे आप? लिहाजा अब पाकिस्तानी कौम लीडरशिप, अब फौज की नई लीडरशिप आई है, पॉलिटिशियन से तो कचरा अस्तग़फ़िरुल्लाह। अब जाहिर है इस लीडरशिप के ऊपर बहुत बड़ा बैगेज है, पिछली लीडरशिप का बहुत बड़ा वजन डाल के चले गए, पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। जो कुछ इस वक्त हो रहा है, इस पाकिस्तान की प्रेजेंट आर्मी लीडरशिप का कोई कसूर नहीं है इसके अंदर, ये फैसले सारे पिछले थे, उसका बोझ इन पर गिराया गया है। अब ये इसको किस तरह हैंडल करेंगे? पॉलिटिकल गवर्नमेंट है ही नहीं, वो तो सारे के सारे ऐसे बेशरम लोग हैं कि बादशाहों के सामने खड़े होकर कहते हैं उकुल खुबस लाजिम उकुल इन लिल्लाह व इन इलैहि राजिऊन, बेगर्स कांट बी चूजर्स, यानी ये हिज्जत करवाई है हमारी दुनिया के सामने इन लोगों ने, इनसे ये तो करना कि ये इंडिया के सामने खड़े होकर इंडस वाटर ट्रीटी पर स्टैंड लेंगे, ये तो ऐसी तो करना है कि जैसे बिलावल बच्चा पैदा कर देगा, ये नहीं हो सकता। दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। एक और खबर जाते जाते आपको बता दूं कि हमारे जो नुमाइंदे हैं हरास नवाब इस्लामाबाद में खोल न्यूज़ के जो नुमाइंदे हैं वो बता रहे हैं कि फिज़ा खान का जो घर है लाहौर के अंदर वो डूब गया है और फिज़ा खान बनीगाला या फिर जमान पार्क में रहने की व्यवस्था बना रही है। तो आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर से अपनी राय दें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।